यूपी और उत्तराखंड की खबरों के लिए एबीपी गंगा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। उत्तराखंड में कोरोना का कहर कम होने का नाम नहीं ले रहा। बीते 24 घंटे में 585 नए मामले सामने आए और प्रदेश में कोरोना के मरीजों की कुल संख्या 70,790 हो गई है, जबकि 64,851 मरीज ठीक भी हो गए। वहीं 4,166 कोरोना एक्टिव केसेस हैं। इसके अलावा 1,146 मरीजों में कोरोना की मौत भी हो गई है। 1,146 लोगों की जान उत्तराखंड में कोरोना संक्रमण की वजह से जा चुके हैं। देहरादून की बात करें तो 210 केसेस यहां से आए हैं, हरिद्वार से 43 केसेस आए हैं, नैनीताल से 71 केसेस आए हैं, तो पौड़ी से 38 केसेस आए, पिथौरागढ़ 34, तो रुद्रप्रयाग से 28 पॉजिटिव केसेस आए। टिहरी जिले भी केसेस लगातार आ रहे हैं, 31 आए हैं। उधम सिंह नगर से 30 केसेस आए हैं। पहाड़ी और कुमाऊं क्षेत्र अल्मोड़ा 24 केसेस आए हैं। बागेश्वर से भी 6 केसेस आए। चमोली उच्च पहाड़ी हिमालय क्षेत्र है, जिले से 57 केसेस आए हैं, तो चंपावत में 5 संक्रमित केसेस मिले हैं। तो कहां से कितने मरीज मिले हैं और इन आंकड़ों को देखने के बाद आपकी जिम्मेदारी बढ़ जाती है। आपको कोविड गाइडलाइंस का पालन कर रहा है और बहुत से लोगों की तस्वीरें आती हैं सामने। बहुत से लोगों को ये लगता है कि पहाड़ों में हम तो अलग थलग हैं, हम बाहरी लोगों से नहीं मिल रहे हैं, कोरोना हम तक पहुंचेगा नहीं। तो लोग इस गलत फहमी में ना रहें, क्योंकि हिमाचल प्रदेश के गांव में पूरे के पूरे गांव को कोरोना हुआ है, सिर्फ एक व्यक्ति को छोड़कर। तो उससे लोगों को सबक लेने की ज़रूरत है, आवश्यकता है कि वो घरों से बाहर निकल रहे हैं, मार्केट में जा रहे हैं, चाहे मार्केट छोटा है बड़ा है, वो कोविड गाइडलाइंस का पालन करें। यानी कि घर की दहलीज को पार करते हैं तो आपको मास्क लगाकर पार करना है, आपको प्रॉपर सैनिटाइजेशन करना है, आपको खुद को सैनिटाइज करना है, खुद को स्वच्छ रखना है। हमारे संवाददाता रवि कैंतुरा और ज्यादा जानकारी देंगे। रवि, कोरोना की रफ्तार क्या है उत्तराखंड में, उत्तराखंड की सरकार इसको किस तरीके से देख रही है? जी देखिए राजीव, अभी उत्तराखंड में जिस तरीके से कोरोना के मामले बढ़ने लगे हैं, तो इसको लेकर काफी चिंताएं भी काफी बढ़ी है और स्वास्थ्य विभाग की भी बढ़ी है। तो देखते हुए बॉर्डर पर एक चेकिंग शुरू की गई है और बाहर से कोई भी अन्य राज्यों से जो भी व्यक्ति यहाँ पर पहुंच रहे हैं उनका एंटीजन टेस्ट कराया जा रहा है। सख्ती की जा रही है कि कोई भी संक्रमित व्यक्ति प्रदेश में प्रवेश ना कर सके और इसके साथ ही ये कोशिश की जा रही है कि अधिक से अधिक टेस्ट कर सके। लेकिन अभी अगर आगे हम बात करें तो लगातार जो केसेज है उनकी संख्या बढ़ती जा रही है। सबसे ज्यादा प्रभावित जिला अभी तक देहरादून है, उसके बाद हरिद्वार है और लगातार हर दिन मौतों का जो एवरेज है वो 8 से 10 मौतें उत्तराखंड में कोरोना की वजह से हो रही है। जी रवि, आपका इस तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया। तो कोरोना के केसेस लगातार आ रहे हैं, ऐसे में आप सभी से अपील है कि कोविड नियमों का पालन करें। कोविड अभी तक गया नहीं है क्योंकि मेडिसिन बनी नहीं है, ऐसे में रोजाना हो रही मौतों से आप समझ सकते हैं कि आपको अभी सुरक्षित रहने की जरूरत है। तब तक आप अपने आप को सुरक्षित रखिए जब तक मेडिसिन नहीं बन जाती है, उसके बाद खुद सरकारें आपको ढील देंगी, छूट देंगी कि मास्क ना पहने, सैनिटाइजर साथ में ना रखें, लेकिन जब तक मेडिसिन नहीं आती तब तक आपको ये नियम मानने होंगे।